हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो आज की रेस की बात करते हैं, जो कि है दिल्ली रेस, डेट है 25/9/2024 एंड टोटल 6 रेस का कार्ड है। सो फर्स्ट मीटिंग है दिल्ली का और देखा जाए तो कार्ड बहुत ही बकवास है। मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कार्ड दिल्ली का। तो मेरा सजेशन है कि आप ज़्यादा स्किप करेंगे तो ये बेटर होगा, या फिर ऑड्स देख के या फिर बुक मेकर्स का मतलब कलर्स आपको मिलता रहेगा तो अंदर से तो ही चांस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टफ दिख रहा है कार्ड। 6 से बट बहुत ही टफ कार्ड है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो मोस्टली देखे जाए तो अच्छे अच्छे घोड़े जो शू चेंज हो रहे हैं एल्यूमिनियम से स्टील, तो मोस्टली देखे जाए तो एल्यूमिनियम से स्टील कुछ ही घोड़े परफॉर्मेंस दे पाते, बट कुछ घोड़े मतलब ज़्यादातर करके फेल होते वैसे घोड़े। सो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा जो चॉइसेस रखूँगा यहाँ पे तो समझ में आता है तो प्लेस का ही चांस लीजिए। तो बात करते हैं हम भी दिल्ली का फर्स्ट रेस का, था पोर्टेबल प्लेट क्लास 5000 मीटर। सो दिल्ली का फर्स्ट रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स सरमोर जॉकी है शिवम। ओके, ऑफकोर्स इसका रंस देखे जाता हमेशा बोर्ड पर सही फॉर्म में चल रहा है घोड़ा, तो वैसे ही फॉर्म बरकरार रहे इस घोड़े का सरमोर का, एंड ऑफकोर्स वेट भी सही रहे -3.511 से। ओके ओके, एंड लास्ट टाइम दिलीप सिंह था, वेल अच्छा ही राइडर है, शिवम भी जबरदस्त फॉर्म में, जस्ट स्टार्ट का ही प्रॉब्लम है ओके घोड़े का। वैसे यहाँ पे देख जाए तो लास्ट टाइम इतना खास तो फिर नहीं था, बट फॉर्म में हमेशा बोर्ड पे सरमोर, उसी के बदल यहाँ पे चूज़ किया हूँ। अगर समझ में आता है तो प्लेस का चांस दीजिए 3 नंबर। तो बात करते हैं उसी रेस का, दिल्ली का फर्स्ट रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट इज़ अ 4 नंबर हॉर्स खुदा बख्श जॉकी अंकित पाल। जस्ट 3 रन हो चुके हैं, एक ही बार फोर्थ हो चुका है, लास्ट रन तो इग्नोर कीजिए ओके, बट उससे पहले फोर्थ हो चुका है, वेट मेरे सबसे सही है। अंकित पाल था, अभी फिर से वही राइडर है, जस्ट यहाँ पे देखिए शू चेंज हो रहा है स्टील से एल्यूमिनियम, सो आई थिंक उसी के बदौलत थोड़ा शू चेंज हो रहा तो परफॉर्मेंस दे सकता है। माई डार्लिंग बॉय जैसे घोड़े को 6th तो हो चुका है, उससे पहले शूलिन मैजिक फेल इतना खास तो फिर नहीं देखा, पर माय डार्लिंग बॉय एक ठीक ठाक घोड़ा है इतना ही बोल सकता हूँ। तो पूरा कार्ड देखा जाए तो फर्स्ट रेस का 3 और 4 ही बेटर दिख रहा है मेरे हिसाब से। सो समझ में आता है तो फर्स्ट रेस में 3 एंड 4 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस लीजिए। तो बात करते हैं हम अभी दिल्ली का सेकेंड रेस का, था दिल्ली एज प्लेट क्लास 1000 मीटर। सो दिल्ली का सेकेंड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 7 नंबर हॉर्स वॉल स्ट्रीट जॉकी है धनु सिंह देवरा। ओके, लास्ट 2 रन्स इग्नोर कीजिए, बट उससे पहले रन सही है घोड़े का ओके, एक बेटर घोड़ा है। जस्ट लास्ट टाइम देखिए अल्ट्रासाउंड देने के उससे 2.5 के भाव में जरा पीछे रह गया था, ऑफकोर्स वेट बहुत ही लो कैरी करके जा रहा है, संदेश था वेल अभी धनु सिंह देवरा है, जस्ट स्टार्ट का ही प्रॉब्लम है ओके, नहीं तो अशोटो के एक बेटर भारी घोड़ा है उसको पाक चुका है सन ऑफ गन मीरा डर्बी में ओके, सो बेटर फील्ड भी देगा। एक वॉल स्ट्रीट अच्छा ही घोड़ा है, एक्चुअली देखे जाए तो मुंबई और पुणे का घोड़ा है, मलेश के पास का घोड़ा है, सो बट कुछ खास नहीं है, बट आई होप दिल्ली में ट्रैक सही पड़ेगा, क्योंकि काशे में अल्ट्रासाउंड देने से थोड़ा बिचक गया होगा, तो आई होप अभी सही राइड करेंगे तो आ जाना चाहिए बोर्ड पे वॉल स्ट्रीट। तो बात करते हैं हम अभी उसी रेस का, दिल्ली का सेकेंड रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट इज़ द 8 नंबर हॉर्स प्लेयर जॉकी है रियाजुद्दीन। ओके, एंड देखे जाए तो इसका भी रन्स बहुत सही है, जस्ट एक ही बार 6 हो चुका है, नहीं तो बाकी टाइम बोर्ड पे है, और लास्ट टाइम भी देखे जाए तो एज अ विनर है वो भी 2.75 लेंथ से, वेट भी बहुत लो कैरी करके जा रहा है ओके। आकाश राजपूत था लास्ट टाइम सही राइडर, रियाजुद्दीन भी एक अच्छा ही राइडर है ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही शू पे मतलब स्टील पे ही लास्ट टाइम 2.75 लेंथ से जीता है, फिर से वही इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ना चाहिए मुझे, फॉर्म है घोड़े में एज अ लास्ट टाइम देखिए स्टार्ट भी सही लिया था। ऑफकोर्स ओवरली ये फील्ड के सबसे अच्छा घोड़ा है, उसको मार चुका है आशो टोक्यो को, भाग चुका है देन आशो युद्धर को ओके, बहुत पहले देखे शेरशाह को गैलवे भी, सो सही फील्ड भी देखा है प्लेयर, तो बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा ओपन ही कार्ड है, फिर भी मुझे ठीक ठाक दिख रहा है सेकेंड रेस, थोड़ा वॉल स्ट्रीट एक बेटर घोड़ा है, तो इसलिए 7 और 8 में आपको जो भी लगे उसका विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं अभी दिल्ली का थर्ड रेस का, द रेसिंग टिप्स प्लेट डिवीजन 1 क्लास 4 लेवल 100 मीटर। सो दिल्ली का थर्ड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है
डैड इज अ सिक्स नंबर हॉर्स रोनाल्डो जॉकी आकाश राजपूत, दो ही रन हो चुका है दोनों टाइम बोर्ड पे, लास्ट टाइम एज अ फेवरेट, मतलब दोनों टाइम फेवरेट बन के बोर्ड पे, और लास्ट टाइम देखिए एज अ हॉट मनी में हॉट फेवरेट रह के 105 लेंथ से जीत चुका है। वेट सही है, सेम राइडर है, स्टार्ट भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट यहाँ पे शू चेंज हो रहा है, ओके एल्यूमिनियम से स्टील हो रहा है, तो बहुत से कम घोड़े मतलब परफॉर्मेंस दे पाता है। आई होप रेनाल्डो एक फॉर्म घोड़ा है, अच्छा घोड़ा है, परफॉर्मेंस देना चाहिए। वैसे इजिप्शियन में एक ठीक ठाक घोड़ा बोल सकते हैं, तो उससे पहले रोबस्ट एक अच्छा घोड़ा है, उसको सेकंड हो चुका है, इतना ही बोल सकता हूँ रोनाल्डो के बारे में। तो बात करते हैं अभी उसी रेस का, दिल्ली का थर्ड रेस का हमारा जो सेकंड चॉइस होगा, डेट इज़ द एट नंबर हॉर्स आशा फ्रेंकी जॉकी है JS शिकावत, ओके इसका लास्ट थ्री रन देखिए फॉर्म दिखा रहा है घोड़ा, विन सेकेंड और लास्ट टाइम भी एज अ विनर एज अ फेवरेट के 4.25 लेंथ से, वेट भी लो कैरी करके जा रहा है, लास्ट टाइम फैजन खान था अच्छा राइडर था, JS शिकावत भी एक अच्छा ट्राई राइडर है, जस्ट इसका भी एक ही प्रॉब्लम मतलब स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे देखे एल्यूमिनियम से स्टील हो रहा है, ओके ये नोट कीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम से स्टील हो रहा है जो कि माइनस पॉइंट होता है, बट कुछ कुछ परफॉर्मेंस दे पाते घोड़े, तो आई होप आशा फ्रेंक की लास्ट टाइम 4.25 लेंथ से जीत रहा है बोर्ड पे आ रहा है, तो आई थिंक बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए, ओके वैसे इतना खास तो फील्ड नहीं देखा है, बस इतना ही बोल सकता हूँ। सो थर्ड रेस में मेरे हिसाब से 6 और 8 में आपको जो रेस लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस लीजिए। तो बात करते हैं अभी दिल्ली का फोर्थ रेस का, द रेसिंग टिप्स प्लेट डिवीजन टू क्लास 4 लेवल 100 मीटर, सो दिल्ली का फोर्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डैड इज़ अ 7 नंबर हॉर्स फ्रेंको जॉकी है अमन, ओके इसका भी रन्स बढ़िया है यहाँ पे देखे जाए तो, ओके लास्ट टाइम भी एज अ विनर है, जैसे एक ही बार आउट भागा है तो हमेशा बोर्ड पे, फ्रेंको लास्ट टाइम 1.25 लेंथ से जीता है घोड़ा, वेट भी कम लेके जा रहा है, ओके लास्ट टाइम वही राइडर था, स्टार्ट भी लास्ट टाइम सही लिया था एंड फिर से वही राइडर हो गया अमन, उसी के हाथों में लास्ट टाइम जीता है घोड़ा। सो शमशेर एक अच्छा घोड़ा है बट उसके बाद उसने सही परफॉर्मेंस दिया, 1.25 लेंथ से जीता घोड़ा, उससे पहले इतना खास तो फेड तो नहीं देखा है, बस इतना ही बोल सकता हूँ फ्रेंको के बारे में। तो बात करते हैं हम उसी रेस का, दिल्ली का फोर्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डैट इज़ अ 6 नंबर हॉर्स अश्वकनिका जॉकी है JS शिकावत, ओके एंड इसका भी लास्ट फ्यू रन देखी जाए तो फॉर्म दिखा रहा है घोड़ा, और लास्ट टाइम एज अ फेवरेट के विनर है 2.5 लेंथ से, वेट 57 था अभी 56 लेके जा रहा है, ओके वेट सही है, लास्ट टाइम फैजन था अच्छा ही राइडर था, अभी JS शिकावत है, जस्ट इसका भी यही प्रॉब्लम है यहाँ पे एनिम से स्टील हो रहा है, नहीं तो घोड़े का परफॉर्मेंस सही है, बस शू चेंज हो रहा है, आई होप परफॉर्मेंस देना मांगता एज अ फ्रंट रनर भी घोड़ा, ओके ब्लैक हिल तो इतना खास तो घोड़ा नहीं है बट एक पता है रोजोन प्लैनेट एक अच्छा घोड़ा है, बहुत पहले सेकेंड हो चुका है, उसके बाद परफॉर्मेंस सही दिया घोड़े ने, जस्ट आई होप अभी फॉर्म में रहेगा तो आ जाना चाहिए बोर्ड पे। तो बात तो उसी रेस का फोर्थ रेस का मेरे हिसाब से 6 और 7 में आपको जो बेस्ट लगे तो ही प्लेस का चांस लीजिए, ओके सो बात करते हैं अभी दिल्ली का फिफ्थ रेस का, द एशियन एज कप क्लास 5 1200 मीटर, सो दिल्ली का फिफ्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेज 5 नंबर हॉर्स संचेजर जॉकी JS शेखावत, ओके रन्स बढ़िया है हमेशा बोर्ड पे, लास्ट टाइम थर्ड हो चुका है, वेट भी सही है, श्रीकांत काम लेता अभी JS शेखावत सही राइडर है, स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फील्ड के सबसे आई नो आशा फ्रेंकी एक अच्छा घोड़ा है थर्ड हो चुका है, बहुत पहले रॉयल बेबी एक ठीक ठाक है, रोजन प्लैनेट सो ठीक ठाक फील्ड देखा है ये फील्ड के सबसे अच्छा चेजर, सो आई थिंक बोर्ड पर आना चाहिए इजिली। तो बात करते हैं उसी रेस का, दिल्ली का फिफ्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट इज़ द 1 नंबर हॉर्स दिव्या शक्ति जॉकी है एस मोहसिन, ओके क्लास 5 की रेस है, जस्ट इसलिए चूज़ किया हो क्योंकि क्लास 5 की रेस है और दिव्या शक्ति है देखे जाए तो मोस्टली हमेशा मतलब क्लास 4 में भागते आया है घोड़ा, ओके अभी क्लास डाउन हो रहा है उसका एक बेनिफिट होगा, नहीं तो लास्ट रन तो इग्नोर कीजिए, क्लास 4 में उससे पहले सेकंड हो चुका है एज अ फेवरेट रे के, वेट थोड़ा कैरी करके जा रहा है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है वेट, यहाँ पे देखिए NS राठौर था अभी एस मोहसिन, वेल सही राइडर है बहुत टाइम के बाद आ रहा है एस मोहसिन,
पुणे में राइड करने का, बट बहुत टाइम के बाद आए एस मोसिन। सो यहाँ पे देखिए शू चेंज हो रहा है, स्टील से एल्युमिनियम हो रहा है, तो परफॉर्मेंस देना चाहिए, क्लास डाउन हो रहा है, तो एक बेटर चांस बोल सकते हैं इसको दिव्या शक्ति को। सो इतना ही बोल सकता हूँ। ओके वैसे फील्ड देखे जाए तो बहुत पहले क्विक क्रेजी को मार चुका है, तो आई थिंक से ये फिफ्थ रेस में आई थिंक 1 एंड 5 में आपको जो बेस्ट लगे उसका विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम अभी दिल्ली का सिक्स एंड लास्ट रेस ऑफ द डे, द रेसिंग रिपोर्ट ऑफ प्लेट क्लास 3000 मीटर। सो दिल्ली का सिक्स रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, डेट इज़ अ 1 नंबर हॉर्स अश्व तेजवीर, जॉकी जी एस शेखावत। ओके एंड ऑफकोर्स इसका भी रन सच्चा है, लास्ट टाइम देखिए तो एज अ फेवरेट रह के जीत चुका है, सॉरी 3.5 के भाव में 2.5 लेंथ से। वेट ठीक ठाक है मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के नरेंद्र कुमार था, वेल एन एस राठौर अभी सही राइडर है, तो एक एक दो टाइम उसकी हाथों में जीत चुका है, वो भी स्टील में, अभी एल्यूमिनियम पे आ रहा है। सो ऑफकोर्स वही शूज है, सो स्टार्ट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाट हीरो इतना खास तो फील्ड नहीं देखा है, बस एक फॉर्म में बोल सकता हूँ। तो बात करते हैं उसी रेस का, दिल्ली का सिक्स रेस का हमारा जो सेकंड चॉइस है, डेट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स मिस्टर क्रिस्टोफर, जॉकी है कुंदन पासवान। जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये क्लास 3 की रेस है, एंड जो मिस्टर क्रिस्टोफर है लास्ट टाइम एक्चुअली देखी जाए तो क्लास 2 में ज़्यादा करके और क्लास 1 में भी भागा है घोड़ा, बट क्लास 2 में फोर्थ हो चुका है, क्लास डाउन होके आ रहा है। ओके एंड वेट मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है वेट। ओके अंकित पाल था, वेल अभी कुंदन पास होने। ओके स्टार्ट में एक प्रॉब्लम है बस, अभी मतलब क्लास डाउन हो रहा है जस्ट, तो आई होप अभी स्टार्ट सही लेगा तो कुछ कर सकता है, नहीं तो आशवा यशोद यशोदा जैसे घोड़े को फोर्थ हो चुका है, अच्छा घोड़ा है वो, पहले आशा टोक्यो को भी भाग चुका है, आशा युद्धवीर को, आशा पार्थ। ओके सो थोड़ा ठीक ठाक फील्ड देखा है घोड़े ने, इतना ही बोल सकता। तो आई थिंक लास्ट रेस में भी सिक्स रेस में 1 एंड 3 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस लीजिए। तो ये रहा हमारा टोटल दिल्ली रेस का सिक्स रेस का टिप्स एंड सिलेक्शंस, तो मेरे सबसे टफ ही कार्ड है इसलिए प्लेसिंग का चांस लेंगे तो ही बेटर होगा। सो बेस्ट एंड गुड लक फॉर दी दिल्ली रेस, तब तक अगले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।